हेलो एवरीवन, बैक टू बैक माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ एवं मजे में होंगे। देखिए गाइस, आज हम आप लोगों को दिखाएंगे चाप काटने वाली मशीन, तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग पर। देखिए हमारे पीछे ये चाप काटने वाली मशीन है, तो इसके बारे में दिखाएंगे आप लोगों को। देखिए गाइस, ये चाप कटर खरीद के लेके आए हम। ये काफ़ी अच्छा है चाप कटर। ये इधर से चारा दिया जाता है इसमें, और इसमें तीन रोलर लगाए हैं, दो नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है। जो चारा अंदर देते हैं इसमें, तो उसको देने में काफ़ी आसानी रहती है। और ये चाप कटर का सिस्टम देखिए पीछे से, और ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, तो ये बॉक्स के अंदर ऑयल डालते हैं। ये देखिए, आप लोगों को खोल के दिखाएंगे इस बॉक्स को। इसके अंदर ऑयल डाला जाता है, बाहर की तरफ बोल्ट दे दिया है इसमें खोलने के लिए, तो आसानी से खुल जाता है। और देखिएगा, ये इधर से इसमें ऑयल डालने का सिस्टम है, यहाँ पे ऑयल डलता है इसमें। और ये जो ग्रारी रहती है इसमें चलती है ग्रारी, ये रोलर चलते हैं। और इसमें यहाँ से ये फेलमेंट दे दिए है, तो ये फेलमेंट नीचे की तरफ दे दिए, यहाँ से इस फेलमेंट का कनेक्शन यहाँ से नीचे की तरफ दे दिया है। देखिए ये फेलमेंट नीचे की तरफ दे दिए, और ये फेलमेंट से ये छोटे व्हील पे दे दिए, ये छोटे व्हील देखिए, और छोटे व्हील से फिर मोटर के ऊपर दे दिया ये कनेक्शन। और ये मोटर है 3 HP का, काफ़ी अच्छा मोटर है, टेक्समो का है, और काफ़ी लोड लेता है। और इसका कनेक्शन, फिर मोटर का कनेक्शन हमने यहाँ से इसके द्वारा यहाँ पे स्विच लगा दिया है। ये ऑन ऑफ करने का सिस्टम है, देखिए गाइस, काफ़ी अच्छा चाप कटर है। और जो ये चाप कटर है इसके अंदर ये काफ़ी अच्छे फीचर है। और ये इसका ये इसके अंदर कवर लगा दिया गया है, और ये कवर की वजह से यहाँ पे चारा इकट्ठा करती है नीचे की तरफ, इससे चारा बिखरता नहीं है। और देखिएगा, ये अंदर की तरफ दिखा रहे हैं हम, यहाँ पे खोलने का सिस्टम दे दिया है, ये नट दे दिया है इसमें, बोल्ट, ये बोल्ट दे दिया है। और इसको बोल्ट को खोलने के बाद में ये ऐसे खुल जाता है, देखिएगा, ये खोलने के बाद में ये अंदर का सिस्टम ये ऐसा है। और इसमें दो तरह की ब्लेड दे दी है, ये देखिएगा, ये एक ब्लेड तो ये रही, और एक ब्लेड नीचे की तरफ है, और ये ब्लेड है, एक ब्लेड है ये रही। तो दोनों ब्लेडों को काफ़ी ये छोटे छोटे नटों से कस रखा है, देखिए ये छोटे छोटे नट है, काफ़ी अच्छे तरीके से कस रखा है। जो आपको ये कटर दिख रहे हैं, ये पुजारी कंपनी के कटर हैं, तो काफ़ी अच्छे चलते हैं ये भी। देखिएगा अंदर से, ये हमारी चाप कटर है, और ये बाहर की तरफ फोल्ड होता है ये चादर। तो इस चादर की मेन खास बात ये है कि ये चारा, जो चारा कटता है इसका, एक जगह इकट्ठा कर देता है। ये कसने का सिस्टम है, इसको बंद भी कर सकते हैं अपन, ये बंद करने का सिस्टम है, यहाँ से बंद कर दिया इसको। देखिए गाइस, ये काफी अच्छा चाप कटर है, इसे गीला सूखा कैसा भी चारा काट सकते हैं। ये इसका मोटर नीचे की तरफ, और ये इसका पुल ये है जो ऊपर से कनेक्शन दिया है, इसका ऊपर से नीचे की तरफ ये फेलमेंट दे दिए, और फिर इस पुली के अंदर से जो ये फेलमेंट जा रही है नीचे की तरफ, एक फेलमेंट और बढ़ा दिया है इस पर, जो नीचे मोटर की तरफ पहुंच गया है। और ये मोटर है हमारा, तो इस मोटर पे ये कंडेंसर लगा रखे हैं, ताकि मोटर को दिक्कत ना आए। ये कंडेंसर इसका जो लोड पड़ता है, जो करंट मिलता है इसको, जो कम करंट रह जाता है उसको बढ़ा देता है, तो मोटर को कोई दिक्कत नहीं आती है, तो मोटर काफ़ी अच्छा लोड ले लेती है। देखिए गाइज, ये जो चाप कटर है जो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। जो इसकी कीमत है 17,000 रुपये है, तो 17,000 में से इसका 50% जो पैसा रहता है वो अपन को गवर्नमेंट दे देती है। अपन जो फॉर्म लगाते हैं इसका, जो सब्सिडी मिलती है इससे, जो इसका सब्सिडी का फॉर्म लगाते हैं, तो वो फॉर्म लगाने के बाद में इसका 50% पैसा अपन को गवर्नमेंट दे देती है। तो
कुछ आपका ट्रक हमको आधे रेट में मिलती है, आधे मूल्य पर। तो किसान भाइयों से निवेदन है कि सब्सिडी का फॉर्म अवश्य लगाए। तो देखिए गाइस, ये हमारे चाप कटर है, हमने आप लोगों को दिखाया है। हमारा ये चाप कटर आपको कैसा लगा तो कमेंट में बताइएगा। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।